नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ, युवा के तरफ से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलने का मतलब मेरा ये है कि कांग्रेस से उठा के कोई उम्मीदवार यहाँ शिवसेना में लाकर फिर उसको जितवाकर कांग्रेस का ही अच्छा होने वाला है। मतलब कांग्रेस को जिंदा कर दिया, उसके बाद में उनका अमृतपान भी करा रहे फिर से, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमारे तुमाने साहब थे, तुमाने साहब को जैसा भी है जो भी है हमारे है, हम उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं अपने आप से, हमको वही चाहिए। और वो अगर कोई उनसे जाति दुश्मनी है भी, तो हमारे पास और भी कार्यकर्ता है, हर्षवर्धन निकोसी जी है, डैनियल जी शेंडे है, ये हम इनके लिए काम कर सकते। नहीं तो हमारी ज़्यादा बड़ी औकात नहीं है, हम 4 से 5 हज़ार वोट तो नहीं पड़ने देंगे, बस इतनी बात बोलना चाहते हैं, दीमक नहीं लगने देंगे। जय महाराष्ट्र। मी माया कृष्णराव इतरवारे बोलते। आम्हाला फक्त शिवसैनिकच चालतो आणि शिवसेनाच चालते, आम्हाला राजू पारवे बिलकुल चालत नाही। आमचे खासदार साहेब जे एवढ्या वर्षापासून जे काम करतात तेच आम्हाला मान्य आहे, आणि आम्ही त्यांनाच मतदान करू आणि त्यांच्याच कार्यकर्त्यांसाठी आम्ही लढू आणि आम्ही मदत करू। बाकी काँग्रेसला आम्ही मदत करणार नाही आणि आम्ही घराच्या बाहेर निघून प्रचारही करणार नाही। मी कुंदाताई मुठघरे 25 वर्षापासून शिवसेनेमध्ये आहे आणि आमच्या शिवसेनेचा गड रामटेकला आहे, तर मग आम्हाला रामटेकच्याच व्यक्तीला, शिवसेनेच्याच व्यक्तीला तिकीट द्यायला पाहिजे। आम्ही काउन काँग्रेसच्या व्यक्तीला मतदान करू आम्ही नाही करणार, आणि आमच्या कोणीही महिला संघटन एकही कोणा दुसऱ्या व्यक्तीला मतदान नाही करणार। आमच्या व्यक्ती जर राहीन तर आम्ही मनातून याच्यातून आम्ही त्यांना मतदान करू। मी एवढंच बोलते। मेरा कहना यह है कि तुमाने साहब कैडर में सदमे हैं और शिवसेना में वो कम से कम 15-20 साल से है और 10 साल से वो खासदार है, तो उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। मान लो हम किसी को दे दिए अरे गहरे को या और कोई आ गया, तो वो हारने के बाद हमारे पास नहीं रहेगा। तुमाने साहब के वजह यदि अपन किसी डैनियल शेंडे हो गया या निकोसी भाई हो गया, इनको अपन टिकट देते तो वो तो कंधे से कंधा लेके हमारे साथ रहेंगे तुमाने साहब, लेकिन वो आदमी तो नहीं रहने वाला। इसलिए हमें तुम्हारे साहब के सपोर्ट में है, तुम्हारे साहब को ही टिकट मिलना चाहिए। और 18 तारीख को जो हमने मेड़ावा लिए उसमें पूरे प्रोजेक्ट में हमने तुम्हारे साहब का जो कार्य है वो बताया गया, पूरा कार्य बताया गया। उन्होंने बहुत कार्य किया है। अब 6 विधानसभा है, 6 आमदार यहाँ से चुन के आते हैं, उन एरिया में घूमना और उनको देखना वो सबसे बड़ी बात है खासदार के लिए। तो वो काम किया उन्होंने, काम नहीं किया ऐसी कोई प्रश्न नहीं है, और उनको ही टिकट मिलना चाहिए। उन्हीं को देखकर हम काम करेंगे और उन्हीं के साथ कंधे से कंधा मिला के हम रहेंगे। मैं सैयद जफर अली कनान क्षेत्र। श्रीमान कुपालजी तुमाने यांना अगर लोकसभेची तिकीट होत असेल तर मी वराडा या गाववासी निमित्ताने बोलतो की तुमाने साहेबाला तिकीट होत असेल तर माझ्या गावातील लोक सर्व लोक मदत करायला तयार आहे, अन्यथा इतर पक्षातून आलेल्या लोकांना तिकीट देत असाल तर आम्ही तयार राहणार नाही। जय महाराष्ट्र। मी विजय खडसे, माजी उपसरपंच कनान। आम्ही शिवसेनेचे सैनिक आहोत। आम्ही इथं माननीय बलधराजी पिल्ले नागपूर जिल्ह्याचे ग्रामीणचे उपजिल्हा प्रमुख आहेत, आम्ही त्याच्या नेतृत्वात काम करतो। आणि आम्हाला आमच्या शिवसैनिकच पाहिजे, आम्हाला सिंबॉल, आम्हाला धनुष्यबाणच पाहिजे। आम्ही दुसरा कुणी आला बाहेरून त्याला आम्ही मदत करणार नाही। आम्हाला शिवसैनिकच पाहिजे किंवा कुणीही असो, तुमाने साहेबाला तिकट फायनल झाले हो किंवा नाही हो, आम्हाला शिवसैनिकच पाहिजे। आमच्याकडे हर्षवर्धन निकोसे आहे, डायनलजी शेंडे आहेत, हे 30-40 वर्षापासून शिवसैनिक म्हणून काम कार्य करतात। आणि आमचा मॅपसुद्धा आहे, मांगारोटी समाजाचे आम्ही आहोत। आमच्या इकडं 4-5 हजाराची लोकसंख्या आहे, त्यांना बी तिकडं जेणेकरून आम्ही पैशाने याने त्याने कमी असलो तरी गावकरी मिळून आम्हाला काहीतरी मदत करतील। आणि आमच्या शिवसेनेलाच आम्हाला तिकट मिळाली पाहिजे। आम्ही त्या काँग्रेसच्या काँग्रेसला आम्ही मतदान करणार नाही, आम्हाचा बहिष्कार आहे, आम्ही त्यांना मतदान कधी करतही नाही। आणि एवढे बोलून मी आपले 2 शब्द समाप्त करतो। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। मी कनान शहर प्रमुख गज्जू गोरले,
तुमाने साहेबाला तिकीट मिळाली तरच प्रचार करीन आणि मतदानासाठी मदत करीन। कोणत्याही कोणत्याही काँग्रेसच्या उमेदवाराला कधी तिकीट दिली तर आम्ही प्रचार करणार नाही आणि मीच काय मी सर्व शिवसैनिक कोणीच प्रचार करणार नाही। खरी गोष्ट आहे। जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि आमचे पक्षाचे पक्षप्रमुख यांनी रामटेक लोकसभेसाठी जो निर्णय घेतला पाहिजे तो ठामपणे म्हणजे जो आपला रनिंग जो कॅन्डिडेट आहे कृपाजी तुमाने यांनाच तिकीट देण्यात आल्या पाहिजे। किरायाचं पार्सल आणून आणि आम्ही कोण काम करायचं आम्ही बिलकुल काम करणार नाही कारण की आमचा जो स्थानिक नेता आहे आणि 10 वर्षापासून तो खासदार आहे त्यालाच तिकीट मिळालं पाहिजे अन्यथा आम्ही काम करणार नाही। मी डायनल शिंदे शिवसेना पक्षामध्ये तुम्हाला साहेब 2 वेळा निवडून आले मग त्यांना तिकीट द्यायची का क्रिया आहे का नाही दिली पाहिजे त्यांना आता तो नाही दिला तर मग आता आम्ही बी इच्छुक आहोत ना पक्षामध्ये 30 सालापासून आहोत आम्हाला तिकीट पाहिजे मग पक्षानं द्यावा आम्ही इच्छुक राहतो माझ्याजवळ बोलतो काँग्रेसचे लोक काय कुठे काम करणारच नाही काँग्रेसच्या लोकांचं ते आता येतील तिकटासाठी लढतील फिर चालले जातील। आम्हाला शिवसैनिक पाहिजे हाडा मासाचा शिवसैनिक आम्ही त्यासाठी काही बी करू शकतो पण काँग्रेससाठी नाही करत आणि नवीन कॅन्डिडेटला आम्ही मतदान करणारच नाही आमचा शिवसैनिक पाहिजे आम्हाला शिवसैनिक चालते। जिस काँग्रेसने उमरेड विधानसभा से शिवसेना भाजपा युति की टिकट को सुधीर पारवे को हराया आज वही जीता हुआ कैंडिडेट राजू पारवे जो कांग्रेस के सिंबल से लड़कर जीता था आज की स्थिति में बीजेपी वाले मित्र पक्ष होने के बाद भी और उनको हराने के बाद में भी स्वयं हारने के बाद भी जीते हुए कैंडिडेट राजू पारवे को अपना कैंडिडेट बनाना चाहिए ना कि शिवसेना का कैंडिडेट बनाना चाहिए। उन्होंने शिवसेना का बाला साहब ठाकरे के कार्यकाल से लेकर आज तक का रिकॉर्ड है इतिहास है उन्होंने किसी भी बाहरी पक्ष से आए हुए किसी भी कार्यकर्ता को आज तक तवज्जो नहीं दिया है टिकट नहीं दिया है। गरीब हो छोटा हो पिछड़ा हो या अघड़ा हो शिवसेना में काम करने वाले इंसान को ही और कार्यकर्ता को ही टिकट दिया गया है। शिवसेना ये मंत्री खासदार या आमदार बनाने की मशीन रही है हमेशा तो लोगों का कैसा है अभी यहाँ से नहीं जमता तो वहाँ से आज ये देख लिया कल वो शहर घूम लिए कल वो बाद में वो शहर घूम लिए। जिस तरह से हम ऐसी पिकनिक करते हैं बाकी के लोग नेतागिरी जो है वो ये पक्ष वो पक्ष वो पक्ष करते कहीं ना कहीं उनको सिर्फ आमदार बनना है या सांसद बनना है। विषय यह है कि शिवसैनिकों की भावनाओं का क्या। शिवसैनिक ये चाहते हैं कि टिकट किसी को भी फाइनल हो ये शिवसेना तय करेगी मित्र पक्ष बीजेपी तय नहीं करेगी कि शिवसेना की टिकट कौन आदमी लड़ेगा। और शिवसेना के पास में कर्मठ कार्यकर्ता जो पिछले 40 वर्षों से शिवसेना का काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं मिली आज उनकी भी कुछ अपेक्षा रहती है। हमारे पास में सांसद तुमाने के बाद में भी हर्षवर्धन निकोसे जैसे और तांडेकर जैसे डैनियल शेंडे जैसे कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता है उनको टिकट जाएगी। जिस तरह से बाला साहब ने छोटे तबके के और गरीब लोगों को एमएलए एमपी बनाया उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए शिवसेना रामटेक विधानसभा की जो शिवसेना है वो सज्ज है वो तैयार है संगीन है। हमें किसी की कैंडिडेट की गरज नहीं पड़ेगी शिवसेना इतनी मजबूत है। इसलिए हमारे विदर्भ में हमको 1-2 सीटें मिलती है और वो भी हम किसी दूसरे परिवार के लोगों को देंगे और हम हमारे घर के परिवार में उनको मुखिया बना के रखेंगे ऐसा कहीं होता नहीं है। हमारा छोटा रहे खूबसूरत रहे बदसूरत रहे हमारा है वो हमारा मुखिया बनेगा। हमारा मुखिया कौन बनेगा ये हम तय करेंगे। अगर लड़ाई हमारी है तो निर्णय भी हमारा रहेगा और अगर निर्णय हमारा है तो आदमी भी हमारा रहेगा और आदमी हमारा है तो पार्टी भी हमारी रहेगी। जय महाराष्ट्र। मैं वरदराज पिल्ले शिवसेना जिला उप प्रमुख रामटेक विधानसभा ग्रामीण नागपुर। कुछ दिनों से शिवसेना के सीट को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है और अभी ये भी पता चला है मुझे कि राजू पारवे
ये शिवसेना के कैंडिडेट हो सकते हैं। हम सब शिवसैनिकों के लिए शर्म की बात है, हमारे पास पुराने शिवसैनिक है, उनको नहीं देते हुए कांग्रेस के लोगों को लाना और उनको सीट देना, ये मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं का अपमान है। मेरी अपनी डिमांड है, अगर सीट देना है तो हमारे क्षेत्र में डैनियल सेंडे, हर्षवर्धन निको से, तांडेकर जी है, इन लोगों को सीट देना चाहिए और इनके पीछे हम मेरे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता काम करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कांग्रेस के उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाने के इच्छुक नहीं है, बनाएंगे नहीं और उनका प्रचार करेंगे नहीं।